नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आज मैं फिर आई हूं एक नए मुद्दे के साथ। मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम की वापसी के लिए आखिरी तारीख निकल जाने के बाद अब प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसे लेकर प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। लगातार आरोप पर प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, शाहरुख खान और सलमान को भी आप नीचा दिखा देंगे। कमलनाथ जी को शर्म आनी चाहिए और कुछ मिलते नहीं कमलनाथ जी को अनर्गल आरोपों के अलावा। लेकिन कमलनाथ जी को तो जनता से लेना देना नहीं, विकास से लेना देना नहीं। कहीं कोई ऐसी चीज निकल जाए कि मैं बदनाम कर सकूं, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है कमलनाथ जी को। इसी सियासी दंगल में अब हिंदुत्व वोट बैंक का मुद्दा भी एंट्री कर चुका है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। इस मुद्दे पर उपचुनाव के चलते सक्रियता बढ़ती दिख रही है और दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने पूर्व सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के करीबी माने जाने वाले ज्ञानेश्वर नत्थू पाटिल को अपना उम्मीदवार चुन लिया है। कांग्रेस ने भी सामान्य वर्ग के राजनारायण सिंह को पुरनी पर दाव लगाया है। कांग्रेस में अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह की सरकार में विधायक रहे राजनारायण सिंह पुरनी की पहली बार संसदीय राजनीति में एंट्री हुई है। वहीं बात करें अगर हम कांग्रेस पार्टी के टीकमगढ़ जिले की, तो कांग्रेस पार्टी ने टीकमगढ़ जिले से पृथ्वीपुर विधानसभा सीट में नितेंद्र राठौर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नितेंद्र पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे हैं। बीजेपी ने पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से युवा चेहरा शिशुपाल यादव पर दाव खिलाए। शिशुपाल यादव राजनीति में बहुत ही सक्रिय रहे और एक युवा नेता के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जोबट से अब महेश पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। जोबट सीट पर बीजेपी को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने यहां से सुलोचना रावत को उम्मीदवार बनाया है, जो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से आई है। इसके विरोध में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने रेंगांव सीट से प्रतिमा बागरी के नाम पर अंततः मोहर लगा ही दी। पहले टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता पुष्पराज बागरी ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था। पुष्पराज बीजेपी दिवंगत विधायक जुगल किशोर के बेटे हैं। उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती थी। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्पराज बागरी से बंद कमरे में मुलाकात की थी। कांग्रेस से रेंगांव विधानसभा क्षेत्र से कल्पना वर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया। कांग्रेस ने रेंगांव से कल्पना वर्मा को टिकट दिया है। रेंगांव के रण कांग्रेस में कांग्रेस ने महिला शक्ति को उतार दिया है। कल्पना लगातार दूसरी बार रेंगांव से पार्टी प्रत्याशी चुनी गई है। इसके पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में भी वह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ चुकी है। इसमें उन्हें भाजपा प्रत्याशी जुगल किशोर बागरी ने 17,000 से अधिक वोटों से मात दी थी। 10 वर्ष बीत गए मगर इस दौरान मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं हो सका। समस्याएं तो जस की तस बनी है। व्यवसायियों का कहना है कि नेता चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। सिर्फ चुनाव में ही उन्हें जनता की याद आती है। लोकतंत्र में जनता से राय शुमारी करके कोई भी राजनीतिक दल या उसकी सरकार शासन चलाते हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए इससे अच्छी अन्य कोई पहल हो ही नहीं सकती। लेकिन यदि राय शुमारी का उद्देश्य महज चुनावी लाभ हो, तब स्थिति आदर्श नहीं कही जा सकती है। इसी बीच प्रश्न यह भी उठता है दोस्तों कि प्रदेश में लगातार 3 बार से सरकार बना रही एक पार्टी को अचानक से 15 सालों बाद जनता से सुझाव लेने की कैसे याद आई, वो भी ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव में महज 1 माह का समय बाकी है। इंदौर संभाग की खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा सीट समेत 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की नज़दीक तारीख आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। कांग्रेस उपचुनाव में राम के सारे नैया पार लगाने की जुगत में लग गई है। यही वजह है कि चुनाव वाले क्षेत्रों में श्री राम लेखन की पुस्तिकाएं बंटवाई जा रही है। अशोकनगर के राजपुर में कमलनाथ की जब 11 अक्टूबर को जनसभा थी, तब कमलनाथ के पहुंचने के पहले पांडाल खचाखच भर गया। जनता ने बहुत ही शानदार अभिवादन किया। कमलनाथ गदगद हो गए। उन्हें लग रहा है कि मध्य प्रदेश की पीठ में घुसे खंजर का बदला लेकर जे कमलनाथ बना देंगे। दूसरा दृश्य यह भी है कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं
कि पूरे गांव में संदेश भेज देना यह चुनाव महाराज का है, यह उपचुनाव नहीं, महाराज के मान सम्मान का चुनाव है। लोग कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को उनकी गद्दारी का सबक सिखाए। मध्य प्रदेश का उपचुनाव कुछ इसी तरफ आगे बढ़ रहा है कि जीते तो जे जे कमलनाथ, हारे तो डूबे महाराज। जनता सिर्फ वोट लेने का एक जरिया ही रह गई है। पार्टी चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े वादों के साथ मैदान में आती है और जीतने के बाद कोसों दूर तक नजर नहीं आती है। जनता जानना चाहती है कि क्यों कोई गरीबी, बढ़ती महंगाई, रेप जैसे कुकृत्य अपराध के बारे में बात नहीं करता। बस राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। क्यों देश में हो रहे भ्रष्टाचार, देश में हो रहे गलतियों पर कोई बात नहीं करता। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी बस अपने अपने कार्यकाल में अपनी पार्टी को बनाने में लगी हुई है। मैं एक बार फिर कांग्रेस या बीजेपी दोनों पार्टी के तमाम नेताओं से अनुरोध करती हूँ, एक बार अपनी राजनीतिक स्तर पार्टी को अलग रखकर देश और जनता के बारे में सोचें, तभी आप एक मजबूत नेता बनकर देश के सामने उभरेंगे।